हेलो हाय एवरीवन, आज अपन नया वीडियो में जो मल्टीप्लाइंग है मोनोमियल बाय मोनोमियल पढ़ेंगे। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही चैप्टर का है। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स लेंगे और इसको जानने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, सो मल्टीप्लाइंग है मोनोमियल बाय मोनोमियल बोले तो मोनोमियल मीन्स ओनली सिंगल टर्म। सिंगल टर्म को सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई करने पर आंसर फाइंड आउट करना है। सो एक एग्जांपल, 7x into 5y। ओके, ये एक मोनोमियल है, ये एक मोनोमियल टर्म है। सो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट इसको जो भी नंबर्स है 7 and 5 उसको एक जगह लिखेंगे, और जो भी वेरिएबल्स है x एंड y इसको एक जगह लिखेंगे। सो 7 into 5 एक जगह हो गया, और सेम वे x into y। ओके, सो 7 5 जा 35, सेम वे x into y। सो फाइनली अपने को क्या आ जाता है, 35 x y। ओके, 35 x y। सेम वे हर एक एग्जांपल लेने होंगे, -4x into -6y। ओके, सो इधर भी अपन फर्स्ट क्या करेंगे, जस्ट नंबर्स को एक जगह लिख लेंगे। सो नंबर्स क्या है इधर, -4 into -6, द सेम वे x into y। सो माइनस इंटू माइनस पहले क्या होगा, प्लस होगा। सो 4 into 6 इज व्हाट, 24 24। सो x into y, विच इज इक्वल टू वॉट, 24 x y। ओके, क्लियर। और ये क्या है, मल्टीप्लाइंग 3 or more मोनोमियल्स। सो 3 or ज़्यादा लेने के लिए कोशिश करेंगे और सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। सो इन दिस केस 3 ही है, 5x 6y and 7z। ये एक मोनोमियल है, ये एक मोनोमियल है, ये एक मोनोमियल। सो 3 monomials वी आर टेकिंग इन दिस केस। ओके, और अपन इसको 2 मेथड्स में सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। पहला मेथड, फर्स्ट अपन क्या करेंगे, एज यूजुअल इधर जो ऊपर जो ऐसा फाइंड आउट करें वैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि 5x into 6y into 7z। 5x into 6y into 7z, फर्स्ट नंबर्स 1 + 5 into 6 into 7 into x into y into z। ओके, फर्स्ट नंबर्स अपन एक प्लेस में ले लिए, 5 6 7 and x y z, एक वेरिएबल्स एक जगह ले लिए, कांस्टेंट एक जगह ले। सो 5 6 जा 30 37 जा 210, x into y into z x y z लिखते हैं, और 2 into 10 दैट इज 210 x y z। दिस इज व्हाट फाइनल आंसर। सो इन द सेम वे मेथड टू करेंगे अपन, मेथड टू आपको आंसर सेम आएगा। मेथड टू इज, फर्स्ट अपन दो, फर्स्ट अपन क्या करेंगे, ये दो मोनोमियल्स को लेंगे, और जो भी मोनो दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट आता है उसको थर्ड मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट अपन नंबर सिक्स जगह ले लेंगे, 5 into 6, सेम वे व्हाट, x into y into 7z अपन को लिखना है। ओके, सो 5 6 जा 30 एंड x into y equal to 7z। ओके, सो अगेन व्हाट, 30 x y into 7z। ओके, 30 x y into 7z, फिर अपन क्या करेंगे, नंबर एक जगह लिख लेंगे, 30 into 7 x y into z। सो अगेन 210 x y z, कुछ भी ना इसके अंदर, जस्ट फर्स्ट टू
मोनोमियल्स को अपन कंसिडर करें स्टार्टिंग में, और जो भी प्रोडक्ट आया फर्स्ट टू मोनोमियल्स का अपन थर्ड मोनोमियल के साथ इसको कंपेयर करें और सेम आंसर लेकर। ओके, अपन फर्स्ट केस में क्या करते थे, मल्टीप्लाइंग थ्री और मोर मोनोमियल्स में, फर्स्ट केस में अपन जस्ट थ्री मोनोमियल्स लेकर करे थे, अभी मोर देन थ्री मोनोमियल्स दैट इज फाइव मोनोमियल्स वी हैव टू टेक। 3x is one monomial, minus 4xy, second monomial, 2x square is one monomial, 3y square is fourth monomial, 5x cube, y square is fifth monomial. So, अपन इसको solution करेंगे. First क्या करेंगे, इसको multiplication में लिख लेंगे, minus 4xy into 2x square into 3y square into 5x क्यूब y स्क्वेयर। ओके, सो पहले अपन क्या करेंगे, नंबर्स एक प्लस में, वेरिएबल्स एक प्लस में। ओके, सो इधर वेरिएबल्स में भी x एंड y है, सो अपन क्या करेंगे, पहले एक नंबर्स एक जगह ले लेंगे, फिर वेरिएबल्स में भी x वेरिएबल्स एक जगह लेंगे, वेरिएबल्स y में भी y वेरिएबल्स एक जगह लेंगे। सो फर्स्ट नंबर्स ले लेंगे, 3 इंटू माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, ये क्या है, पूरे कॉन्स्टेंट्स है। ओके, सो अभी क्या करेंगे, जस्ट x वेरिएबल्स लेंगे अपन, x इंटू x, इधर माइनस 4 अपन कॉमन ऑलरेडी ले लिए, सो माइनस x लेने की जरूरत नहीं है, माइनस 5 लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अपन 3 इंटू माइनस 4 ले लिए कॉन्स्टेंट के साथ ही। सो x इंटू एक्स स्क्वेयर, और इसमें तो एक्स वेरिएबल नहीं है, इसमें एक्स क्यूब है। सेम वे y ले लेंगे, फर्स्ट केस में y नहीं है, सेकेंड केस में y है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में है y स्क्वेयर, फिफ्थ में है y स्क्वेयर। ठीक है, सो 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12, पूरा पूरा एक्सप्रेशन पूरा इसमें मल्टीप्लिकेशन में एक ही माइनस है, तो आंसर नेगेटिव में जाना चाहिए। 3 इंटू माइनस 4 दैट इज माइनस 12, माइनस 12 इंटू 2 माइनस 24, माइनस 24 इंटू 3 दैट इज माइनस 72, माइनस 72 इंटू 5 दैट इज माइनस 360, माइनस 360। और x इंटू x, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x टू द पावर ऑफ 4, x टू द पावर ऑफ 4 प्लस x क्यूब, सो x टू द पावर ऑफ 7। जस्ट कितना x है पावर्स देख लीजिए, जस्ट ऐड कर लो, x टू द पावर ऑफ 7, इधर 1, इधर 1 2, इधर 2 4, इधर 3, सो x टू द पावर ऑफ 7। एंड इधर y, y स्क्वायर, y स्क्वायर, सो y इंटू y स्क्वायर दैट इज y क्यूब, y क्यूब इंटू y स्क्वायर दैट इज y टू द पावर ऑफ 5। जस्ट पावर्स को ऐड करना है, 1 2 2, सो y टू द पावर ऑफ 5। सो फाइनली अपन क्या लिखेंगे, माइनस 360 x टू द पावर ऑफ 7 y टू द पावर ऑफ 5। सो ये आपका फाइनल आंसर। सो ऐसा भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, इफ a इज इक्वल टू एक्स वाई, b इज इक्वल टू वाई जेड एंड c इक्वल टू जेड एक्स, देन फाइंड a इंटू b इंटू c। सो जस्ट अपने को कुछ भी करने का नहीं है इधर, फर्स्ट अपन क्या करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी अपने को फाइंड आउट करना है। सो ए का वैल्यू क्या है, एक्स वाइव है, और बी का वाइव जेड, सी का जेड एक्स है। ओके, सो एक्स वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे, ऑल एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, सेम वे बॉट वाइव इंटू वाइव इंटू जेड इंटू जेड, सो एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर। सो फाइनली अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, ये ए इंटू बी इंटू सी का वैल्यू है। ओके, कुछ ये भी एक क्वेश्चन है, इफ पी इक्वल टू 4x स्क्वेयर, टी इज इक्वल टू 5x एंड आर इक्वल टू 5y, देन पी इंटू टी इंटू आर वाई 100 का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट अपन क्या करेंगे,
पी टी आर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पी इंटू टी इंटू आर का वैल्यू फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। पी इंटू पी का क्या दिया 4x2, टी का क्या है 5x, आर का क्या है 5y। ओके सेम वे अपने क्या करना है, जस्ट कॉन्स्टेंट्स वन प्लस में ले लेंगे, 4 इंटू 5 इंटू 5 जस्ट कॉन्स्टेंट्स एक प्लस में ले लिए, फिर एक्स वेरिएबल्स वन प्लस में ले लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई का वाई, ओनली वाई एक ही जगह है। सो 4 5 20, 25 100 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज वॉट एक्स क्यूब इंटू वाई। सो फाइनली अपन क्या लिख सकते हैं 100 एक्स क्यूब वाई, ये अपना क्या है पी टी आर है। बट अपने को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, इधर अपने को इधर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा पी टी आर बाई 100। सो अपन क्या करेंगे, पी टी आर का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, पी टी आर इज इक्वल टू वॉट एक्स क्यू 100 एक्स क्यूब इंटू वाई एंड बाई 100 का 100 कर देंगे। सो ये 100 ये 100 कैंसिल हो जाएगा और एक्स क्यूब इंटू वाई इसका आंसर है, इसका पी टी आर बाई 100, ये इसका फाइनल आंसर है पी टी आर बाई 100 का एक्स क्यूब इंटू वाई। थैंक यू। और भी कुछ अपन दूसरे वीडियोस में पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। ओके थैंक यू।